व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंडिंग पे लेके चलेंगे और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। बट बिफोर दैट आज एक लास्ट पुश दो चैप्टर को बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सब बनाना हो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग और P&L वाला वीडियो नहीं देखा तो यार वो प्लीज़ जाके देखना, उसके बाद ही इसको देखने में मज़ा आएगा। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि आपको तो मज़ा आ ही रहा है, उनको भी मज़ा आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं। हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं। सर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले होता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद होता है बैलेंस शीट। मतलब दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं इसमें आपको तीनों के ही बारे में एक बार फिर से बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनिशियली जो सबसे ऊपर अकाउंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट अलग से बनती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बनाना सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, और इसके साथ साथ ही हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये दोनों ही अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट हमें कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉसेस में है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है हमारे पास ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की? तो शुरुआत होती है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ओपनिंग स्टॉक। आपने इधर ओपनिंग स्टॉक लिखना है, जो कि मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझा चुका हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टू नेट परचेजेस। सर ये नेट परचेजेस क्या है? नेट परचेजेस का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। इधर आता है हमारे पास नेट सेल्स, जो कि क्या होता है हमारे पास? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में आपके पास चार तरीके के एक्सपेंसेस आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो हम यहाँ पे खर्चा लिखते हैं इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं हमारे पास? वी हैव फोर काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि या तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, या उसके साथ इनवर्ड लिखा हो, या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा हो, या वो परचेज से रिलेटेड खर्चा हो। तो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इस तरीके से चार प्रकार के खर्चे होते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? हम सिंपली इधर का टोटल करेंगे, इसमें से ये सब माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अगर फिगर आएगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या करते हैं? इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करते हैं। अब जैसे ही आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आता है ना, ब्रॉड डाउन होता है, यहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता है। मतलब हम लोग इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आएंगे, यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अगर ग्रॉस लॉस आता तो वो वैल्यू इधर आता, तो वो इधर ब्रॉड डाउन हो जाता। मतलब ब्रॉड डाउन हमेशा दूसरी साइड में होगा, अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। यहां पर आपका ट्रेडिंग खत्म हो गया और यहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो गया। अब हम यहां पे जो खर्चे लिखते हैं उन खर्चों को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया था सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस,
जनरल एक्सपेंसेस एटसेट्रा, यानी जितने भी खर्चे हैं हमारे पास, डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स है हमारे पास, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, कोई भी तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो बहुत बड़ी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, वो सब इधर आ जाते हैं। सही है जी। फिर हम क्या करते हैं, इधर कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स लिखते हैं। इनडायरेक्ट इनकम का क्या मतलब है, मिसलिनियस इनकम, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितने भी डिस्काउंट रिसीव्ड, वो सब इनकम्स यहाँ पे आती है। फिर आप इन दोनों को प्लस करोगे, ये माइनस करोगे, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो ये पूरा होता है हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका फॉर्मेट मैंने आप लोग को पूरा समझाया हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वो प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक करो। अभी सर आज नया सिखाओ, क्या सिखा रहे हो नया? हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा जी, क्या सीखने वाले हैं हम लोग नया? हम लोग हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट। अब सर ये बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट बेटा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बनाई है, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी। तो सर बैलेंस शीट होता क्या है? तो देखो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, याद रखना पहले तो, बैलेंस शीट इट इज, नोट डाउन करके चलना, नॉट एन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है? तो सर ये है क्या? इट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये एक स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रिकॉर्ड करता है, ठीक है? अब एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को जब बैलेंस शीट रिकॉर्ड करता है तो किस तरीके से रिकॉर्ड करता है, तो हम यहां पे लिखेंगे, इट कैन बी मेंटेन्ड या इट कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज। बैलेंस शीट कितने तरीके से बनाई जा सकती है? दो तरीके से बनाई जा सकती है। नंबर वन, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एंड नंबर टू, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। या तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। एक बात और छोटी सी आपको याद रखनी है कि बैलेंस शीट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, इट शोज द वेल्थ ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट हमें क्या दिखाता है, वेल्थ दिखाता है। यानी वेल्थ का मतलब क्या है, वेल्थ का मतलब है कितने आपके पास एसेट्स हैं, कितनी आपकी लाइबिलिटीज हैं। बैलेंस शीट में मेनली सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात होगी, प्रॉफिट्स की बात ही नहीं होगी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिटेबिलिटी की बात हुई थी, बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स की बात नहीं होगी, बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की बात होगी, ठीक है? चलो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बैलेंस शीट के बारे में आपको मैंने कुछ बेसिक नोट्स लिखवाए हैं, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं कि होती कैसे। बैलेंस शीट के भी दो साइड हैं, ठीक है? एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। मैं डेबिट क्रेडिट नहीं बोलूंगा, बैलेंस शीट में कोई भी डेबिट या क्रेडिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बैलेंस शीट कोई अकाउंट ही नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है सिंपल, ठीक है, जो साल के लास्ट में बनाई जाती है। अब हमारे पास बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? हमारे पास बैलेंस शीट में आता है लाइबिलिटीज, इधर अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अब बेटा बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं वो सब इधर आएंगे, इस साइड आ जाएंगे। एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स होते हैं? कुछ होते हैं करंट एसेट्स और कुछ होते हैं नॉन करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स जैसे कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक,
BR यानी बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा। तो ये कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, BR, ये तो आपके सारे करंट एसेट्स में आ गए, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आ जाते हैं आपके, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारे कौन से एसेट्स हो जाते हैं, ये सब हमारे हो जाते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में राइट साइड में जो वैल्यूज आने वाली हैं वो सब एसेट्स की आने वाली है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा, लेफ्ट साइड में बच्चे सबसे पहले आएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि उधर सबसे पहले करंट एसेट्स आया ना, ऐसे इधर हम सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज लिखेंगे। सर करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जैसे हमारे पास क्रेडिटर, जैसे बिल्स पेबल, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो क्रेडिटर, BP, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपकी करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चे इधर आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। सर नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब वो लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म में आप पे करोगे, वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारे पास बैंक लोन, पब्लिक से जब हम लोन लेते हैं तो उसको हम डिवेंचर्स बोलते हैं, बैंक लोन, डिवेंचर्स, वो सब आ गए। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैपिटल। सर कैपिटल क्या है, कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है, ऑनर से जो पैसा लिया हुआ है बिजनेस ने उसको हम कैपिटल बोल देते हैं। तो कैपिटल को आप सबसे पहले क्या करोगे, इनर कॉलम में लिखोगे जितना भी फर्म को प्रॉफिट हुआ, जो नेट प्रॉफिट अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, जो भी प्रॉफिट हुआ वो इसमें प्लस करेंगे, यहां पे प्लस करेंगे, और जो ड्रॉइंग्स हैं वो यहां से माइनस करेंगे। ड्रॉइंग्स का मतलब जितना पैसा निकाल के घर ले गए वो यहां से माइनस करेंगे। तो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो प्लस, जो ड्रॉइंग्स है वो माइनस, और फाइनल अमाउंट बाहर। लो जी, अब जो आपकी बैलेंस शीट है ना, ये दोनों साइड बराबर आएगी हमेशा, इसका दोनों साइड का सम इक्वल होगा। तो बैलेंस शीट में राइट साइड एसेट वाली साइड क्या क्या लिखना है हमें, सबसे पहले तो करंट एसेट्स, सारे के सारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से हैं, जिनका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है, जैसे कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, BR, ये आ गए। फिर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। लाइबिलिटी में भी सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स या जाता है, लॉन्ग टर्म में बैंक लोन, डिबेंचर्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल, जिसमें नेट प्रॉफिट प्लस होगा और ड्रॉइंग्स माइनस होगी, देन फाइनल अमाउंट बाहर। इस तरीके से बेटा जी हमारे पास बैलेंस शीट बनती है। सर ये बैलेंस शीट किस ऑर्डर में है, दिस बैलेंस शीट इज इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आप हमेशा लिक्विडिटी की फॉर्म में ही बनाओगे। लिक्विडिटी का मतलब पहले शॉर्ट टर्म वाली चीजें लिखनी है, फिर लॉन्ग टर्म वाली चीजें लिखनी है। इसीलिए मैंने पहले शॉर्ट टर्म वाले एसेट लिखे, शॉर्ट टर्म वाली लाइबिलिटी लिखी, फिर लॉन्ग टर्म वाली चीजें लिखी। अगर यहीं पे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर यहीं पे ये मुझे बोल देता कि आप बैलेंस शीट बनाओ इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, अगर ये बोलता बैलेंस शीट किस ऑर्डर में बना के दिखाओ, परमानेंस के ऑर्डर में बना के दिखाओ, तब हम क्या करेंगे, तब हम बैलेंस शीट का बस ऑर्डर चेंज कर देंगे। सर ऑर्डर कैसे चेंज करना है, मतलब सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिख देंगे, फिर करंट एसेट्स लिख देंगे, इधर सबसे पहले कैपिटल लिख देंगे, प्लस नेट प्रॉफिट, माइनस ड्रॉइंग्स, फाइनल अमाउंट कैपिटल की बाहर, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर करंट लाइबिलिटी। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, आइटम्स वही हैं, जो लाइबिलिटीज और एसेट्स आने हैं वो वैसे ही आने, बट अगर ऑर्डर ऑफ परमानेंस में आया तो पहले लॉन्ग टर्म वाली चीजें, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में आया तो पहले शॉर्ट टर्म वाली चीजें, इसका याद रखना बस, ठीक है। तो इसका परमानेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, वही चीजें हैं, बस सिर्फ ऑर्डर चेंज करा है, और ये आपका एक बेसिक बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। बैलेंस शीट में किसी भी तरीके का कोई खर्चा, इनकम, ये सब चीज़ें नहीं आती। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज आते हैं। तो हमने एसेट्स इधर ले लिए, लाइबिलिटीज इधर ले ली, और सब हमारा काम हो गया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ
आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है। आई होप आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगली क्लास में मैं आपको एडजस्टमेंट से पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि सिंपल ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट हमें बनाना होगा, ठीक है? वो अगली क्लास में करते हैं, कल ही करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।